एक्सरसाइज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट एट एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेड फ्राम टू हंड्रेड ट्वेंटीन ग्लाइकोल सी टू एस सिक्स ओ टू एंड टू हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज वन पॉइंट जीरो सेवन टू ग्राम पर मिलीलीटर देन वाट सेल बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ कि 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर एक एंटी फ्री सोल्यूशन बनाया जाता है अब उस सॉल्यूशन की हमें मोलैलिटी को फाइंड करनी है और साथ ही सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है जिसकी वैल्यू दी गई है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर तो हमें सोल्यूशन की मोलैरिटी को भी फाइंड करनी है तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यह समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है ठीक है तो इस क्वेश्चन के अंदर सोल्यूट जो है हमारा वो सी टू एस सिक्स ओ टू है यानी इथाइलिन ग्लाइकोल है जिसकी वैल्यू जो दी गई है वो है टू हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स ग्राम और सॉल्वेंट हमारा वाटर है जिसकी वैल्यू दी गई है टू हंड्रेड ग्राम ठीक है तो यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा अधिक है लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा कम है फिर भी हमारा वाटर जो है वो सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा क्योंकि जनरली जब भी हम वाटर के साथ कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो हम वाटर को ही एज ए सॉल्वेंट के रूप में एज्यूम करते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इस प्रश्न में मोलेलिटी को फाइंड करनी है तो मोलैलिटी इज कल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन के जी सॉल्यूट हमारा क्या है इथैलिन ग्लाइकोल सी टू एस सिक्स ओ टू ठीक है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर लेना है ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका टू क्या हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास मास दिया गया है ही 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का मास यहाँ पे गिवन है और हमें मोलर मास की आवश्यकता होगी तो मोलर मास का जो वैल्यू होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का वो होता है 62 ग्राम पर मोल ठीक है अब ये 62 ग्राम पर मोल कैसे आया उसे समझ लेते हैं तो देखिए यहाँ पे मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है दो है और कार्बन का आइटोमिक मास होता है ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू टू लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन का आइटोमिक मास होता है वन और यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो है सिक्स तो वन इंटू सिक्स हमने लिखा है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो सिक्सटीन होता है और ऑक्सीजन की संख्या है यहाँ पे दो इसलिए सिक्सटीन इंटू टू जब आप इसे सॉल्व करेंगे जब इसे ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आता है वो सिक्सटी टू ग्राम पर मोल तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर मोलर मास की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया है ठीक है तो जब आप इस सिक्सटी से इसे डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आता है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथैलिन ग्लाइकोल वो है थ्री पॉइंट फाइव नाइन मोल ठीक है ये मोल इनवर्स नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ मोल हो जाएगा ठीक है अब हम फाइंड कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा दिया गया है कितना टू हंड्रेड ग्राम जबकि हमें ये ग्राम में दिया गया है और हमें इसे के जी में कन्वर्ट करना होगा ठीक है क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी चाहिए ठीक है तो देखिए यहाँ पे वन के जी इसकल टू क्या होता है वन थाउजेंड ग्राम होता है तो वन ग्राम इसकल टू क्या हो जाएगा वन अपॉन थाउजेंड के जी तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे टू हंड्रेड ग्राम को जब थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये यह जो ग्राम के जगह पे इस जगह पे के यूनिट आ जाएगा और जो वैल्यू निकल कर आएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो है 0.2 पॉइंट टू के जी ठीक है अब हम आसानी से मोलैलिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल ही क्या हमारा 3.59 पॉइंट फाइव नाइन मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी हमारा वैल्यू है ही वो जीरो पॉइंट टू के जी जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है वो है सेवेंटीन पॉइंट नाइन फाइव मोल पर के जी ठीक है ये मोलैलिटी का हमारा वैल्यू निकल कर आता है अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो फाइंड करना है वो है मोलैरिटी मोलैरिटी को कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ठीक है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता है ही और हमें जो वैल्यू चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ठीक है इन लीटर में तो ये तो वैल्यू दी नहीं गई है लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक टर्म दिया गया है डेंसिटी तो अब हम इसी टर्म का यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में पता कर सकते हैं ठीक है थीके? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल ही लिया है वो है थ्री पॉइंट फाइव नाइन मोल ठीक है तो चलिए अब हम डेंसिटी के फॉर्मूले से हम वॉल्यूम को निकाल देते हैं तो देखिए डेंसिटी इसका टू क्या होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम तो यहाँ से वॉल्यूम इसका टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ठीक है और यहाँ पे डेंसिटी जो दिया गया है वो सॉल्यूशन का दिया गया है तो हमें मास भी सॉल्यूशन का ही लेना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है ठीक है तो मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है है ही 222.6 ग्राम ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट वो है 200 gram, जब आप इसे ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा निकल कर आता है वो है फोर ग्राम ठीक है तो चलिए अब हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो भी इसल टू तो क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ठीक है तो मास का वैल्यू कितना निकला है हमारा 422.6 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो दिया गया है ही क्वेश्चन में 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा तो वॉल्यूम का जो वैल्यू निकल कर आएगा जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 394.22 मिलीलीटर निकल कर आएगा तो ये जो वॉल्यूम निकल कर आया है वो हमारा एम में आया है लेकिन हमको जो वैल्यू चाहिए वो लीटर में चाहिए ठीक है तो एक लीटर इसका टू क्या होता है वन थाउजेंड मिली लीटर तो एक मिली लीटर क्या हो जाएगा वन अपॉन थाउजेंड लीटर ठीक है तो यहाँ पे इस मिली लीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा ठीक है तो हम थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट आ जाएगा वो लीटर बन जाएगा तो थाउजेंड से डिवाइड करने पर जो वॉल्यूम निकल कर आता है लीटर में वो है जीरो पॉइंट थ्री नाइन फोर लीटर ठीक है हमारा सारा वैल्यू निकल कर आ ही गया है तो मोलैरिटी इसका टू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ़ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमने फाइंड कर लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ़ सॉल्यूट कितना है थ्री पॉइंट फाइव नाइन मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर अभी अभी हमने फाइन किया है जीरो लीटर जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी मोलैरिटी की वो है नाइन मोल पर लीटर ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर